अरुणाचल का सारा क्राइसिस केंद्र सरकार के मंत्रियों की उपज है। जानबूझ करके विधानसभा इसकी स्पीकर पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया और वहां के गवर्नर सीधे तौर पर दखल देने के अभियुक्त हैं, इसलिए वहां के गवर्नर को तुरंत राष्ट्रपति महोदय को वापस बुलाना चाहिए। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना के भी विरुद्ध है। अरुणाचल में जो घटना चक्र हुआ है उससे स्पष्ट है कि प्रजातंत्र की हत्या हुई है और वही गवर्नर जिसने कि परिस्थितियां पैदा की, जो सेशन बुला रखा था उसको नहीं होने दिया, उससे पहले बुलाया और अपने हिसाब से एजेंडा फिक्स किया, तो वो तो खुद दोषी हैं। उसकी रिपोर्ट के आधार पर वहां राज्य सरकार का काम ना करने देने की वजह से वो रिपोर्ट देते हैं और रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हैं। मैं समझता हूं कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर वहां राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अरुणाचल में एक संवैधानिक संकट की स्थिति है आज जो है वो। अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, निश्चित तौर से अरुणाचल प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इसलिए केंद्र सरकार अपनी जो भी संवैधानिक जिम्मेदारी है उस संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाएगी। मैं समझता हूं कि सभी लोग जानते हैं कि अरुणाचल में जो हुआ वो गवर्नर साहब के उस फैसले से हुआ जब उन्होंने वहां के विधानसभा के सेशन को प्रीपोन किया, जिसका जो संविधान के विशेषज्ञ हैं वो जानते हैं कि अधिकार उनके पास नहीं है। ये पूरा मामला आज सुप्रीम कोर्ट के ध्यान के नीचे है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस चल रही है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, मैं समझता हूं कि अरुणाचल में लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में एक चुनी हुई सरकार थी जिसको पूर्ण बहुमत प्राप्त है और जिन लोगों को आज माफी मांगनी चाहिए इस तरह की स्थिति पैदा करने के लिए, आज उन्हीं को शासन देने की जो प्रस्तावना है मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है। और आने वाले समय में संविधान की मर्यादाओं को किस तरह पालन करना है, एक ये बड़ा सवाल देश के सामने खड़ा है और हमारा मानना है कि मोदी सरकार ने संविधान की परंपराओं की हत्या की है और अरुणाचल प्रदेश उस कड़ी में एक और